प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। रोजेन मुंड अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है? तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और इसी प्रकार से यदि आपको और भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन सीखनी है तो आप सीख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको केमिस्ट्री क्लास 12 की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ से आप लोग और भी रिएक्शंस को सीख सकते हैं। तो यही अभिक्रिया आपकी है, रोजेन मुंड अभिक्रिया। और इसी मतलब यही अभिक्रिया आपकी एक दूसरे टाइप से भी आ सकती है, जैसे बेंजोइल क्लोराइड से बेंजेल डिहाइड। तो दोनों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या देखेंगे, रोजेन मुंड अभिक्रिया। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हैं, ठीक है, रोजेन मुंड। और देखिए इसका नाम अपचयन अभिक्रिया भी होता है, ठीक है, रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। तो समझ लीजिएगा, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर देखिएगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको लेना है बेंजिल क्लोराइड। क्या लेना है, बेंजोइल, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। देखिए बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, तो आपको बेंजीन रिंग इस तरीके से बनानी है, और इस बेंजीन रिंग में आपको लगा लेना है COCl। ये आपका हो गया बेंजोइल क्लोराइड। और आपको करना क्या है, आपको बेंजोइल क्लोराइड का कराना है अपचयन। अपचयन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन को मिलाते हैं, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन से इसके रिएक्शन को कराते हैं, ठीक है, अपचयन करवाने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको इसके लिए उपस्थित चाहिए होगी। उपस्थित किसकी चाहिए होगी, ये भी आप लोग यहाँ पर समझिएगा। आपको इसमें उपस्थित चाहिए होगी उत्प्रेरक की, ठीक है, तो आपको लेना है PD। ये होता है पैलेडियम। क्या होता है, पैलेडियम, ये है उत्प्रेरक, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है ये आपका उत्प्रेरक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैलेडियम। तो पैलेडियम तो आपका हो गया उत्प्रेरक। और आपको इसमें BaSO4 लेना है, ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये है उत्प्रेरक विष। तो अब आप जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा बेंजल डिहाइड, और इसके साथ में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका बना है क्या है, बेंजेल डिहाइड। देखिएगा कि रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, कि जब आप बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से। क्यों, क्योंकि अपचयन हमें इसका कराना है, बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन कराना है। तो अपचयन के लिए हमें इसकी क्रिया H2 से करानी पड़ेगी, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और इसके लिए हमें उत्प्रेरक चाहिए होगा पैलेडियम, ठीक है, और बेरियम सल्फेट, ये विष उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो हमारे पास बेंजल डिहाइड बन के रेडी हो जाएगा और HCl निकल जाएगा। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में आ चुका है कि रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखी है, अब आप इसकी थ्योरी को किस तरीके से लिखेंगे इसके बारे में आप समझ लीजिएगा, ठीक है, सुन लीजिएगा। मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा, सिर्फ सुना दूंगा, आप सुन लीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे पैलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में जब बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं तो बेंजल डिहाइड बनता है, और इस क्रिया को रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बस ये आपको लिखना है। यदि आप ना समझ पाए हो तो वीडियो को वापस करिएगा, बैक करिएगा और फिर से सुन लीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न हमारा था बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड, आप समझ सकते हैं, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए यही प्रश्न आपके पास दो तरीके से एग्जाम में आ सकता है, या तो पेपर में आएगा रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, या आएगा बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड कैसे बनता है। आपको दोनों बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और एक बात, अभी आप मतलब आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है, कि यहाँ पर ये उत्प्रेरक विष क्यों लिया गया है,
तो इसको भी आप पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना, ठीक है, बात को समझिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, पैलेडियम लिया है, तो ये क्या करेगा, इस अभिक्रिया का अपचयन थोड़ा जल्दी से करवा देगा। तो उसके लिए क्या मिला दिया, पैलेडियम, मतलब इसकी उपस्थित करवा दी। अब बेरियम सल्फेट क्यों लिया गया, ये है उत्प्रेरक विष। मतलब क्या है कि अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनेगा, और बेंजल्डिहाइड के अलावा बेंजल्डिहाइड किसी और चीज़ में भी परिवर्तन हो जाएगा, और वो आगे भी क्रिया ये जारी रहेगी। तो आगे बेंजल्डिहाइड किसी दूसरी चीज़ में परिवर्तित ना हो पाए, इसके लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, उत्प्रेरक विष का इस्तेमाल कर देते हैं। तो सिर्फ बेंजल्डिहाइड बनता है और बेंजाइल्ड ही बनता रहेगा, इसके आगे क्रिया नहीं हो पाएगी। तो समझ गए आप लोग, उत्प्रेरक विष का काम ये होता है, ठीक है। अब आप लोग वीडियो को चाहें तो लाइक कर सकते हैं।